असंत ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। आज 20 जनवरी है, पेश है आज की मुख्य खबरें। गांव पाड्डा में चोरों ने किया किसान के खेत में लगे ट्रांसफार्मर का कीमती सामान चोरी, पुलिस ने किया केस दर्ज। करनाल जिले में ट्रांसफार्मर चोर गिरोह पूरी तरह सक्रिय हो रहे हैं, जो आए दिन बेकौफ ट्रांसफार्मरों के सामान की चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। वहीं अब गांव पाड्डा में चोरों ने रात के समय किसान टेकराम पुत्र भूरिया के खेत में लगे ट्यूबवेल पर ट्रांसफार्मर का कीमती सामान चोरी कर फरार हो गए हैं। ट्रांसफार्मर के चोरी की शिकायत बिजली विभाग को की गई है। वहीं आज पीड़ित किसान ने बताया कि उनके खेत में ट्यूबवेल पर 16 केवीए का ट्रांसफार्मर रखा हुआ था, जिसका 16 जनवरी को कुछ अज्ञात चोर ट्रांसफार्मर के अंदर का तार, तांबा व अन्य कीमती सामान चोरी कर ले गए हैं। चोरों को जल्दी पकड़ा जाए। वहीं पुलिस ने आज बिजली विभाग की शिकायत पर केस दर्ज कर चोरों की छानबीन शुरू कर दी। असंध के वार्ड 15 में गौसेवकों ने किया घायल बैल का रेस्क्यू, इलाज के लिए पहुंचाया गौशाला। असंध शहर के वार्ड 15 में आज बालाजी मंदिर के पास लगती गली में घायल अवस्था में बैल पड़ा था, जिसकी सूचना गौसेवकों को दी गई। वहीं आज गौसेवकों ने मौके पर पहुंचकर घायल बैल का रेस्क्यू कर इलाज के लिए गौशाला में पहुंचाया। वहीं आज जानकारी देते हुए गौसेवकों ने बताया कि आज असंध शहर में वार्ड 15 में बालाजी मंदिर के पास लगती गली में घायल अवस्था में बैल पड़ा होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद उन्होंने टीम के साथ मौके पर पहुंचकर गाड़ी मंगवाकर घायल बैल का रेस्क्यू कर गौशाला में पहुंचाया है, ताकि उसकी जान बचाई जा सके। वहीं गौसेवकों के इस कार्य की शहरवासियों ने सराहना की। गौसेवकों ने बताया कि अब घायल बैल का गौशाला में इलाज किया जाएगा। असंध में सालवन रोड पर जेसीबी ने गिराए अवैध निर्माण। अवैध निर्माण के खिलाफ जिला नगर योजनाकार की मुहिम जारी है। इसी के तहत बुधवार देर सांय तक विभागीय टीम ने असंध के सालवन रोड में अवैध कॉलोनी में किया गया अवैध निर्माण ध्वस्त किया है। इस दौरान सड़कों सहित अन्य निर्माण कार्यों पर कार्रवाई की गई। कॉलोनी में बने एक कार वॉशिंग स्टेशन को भी गिरा दिया गया। वहीं बुधवार देर सांय डीटीपी विक्रम ने बताया कि यह कॉलोनी लगभग 2 एकड़ के क्षेत्र में काटी गई थी। टीम ने लोगों को सचेत करने के लिए कॉलोनी में पंपलेट और बैनर भी चिपका दिए थे। जिला नगर योजनाकार की ओर से अवैध निर्माण करने वाले प्रॉपर्टी डीलरों के खिलाफ एफआईआर की प्रक्रिया भी की जा रही है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वह डीलरों के जाल में न फंसें और वैध कॉलोनी में ही प्लाट खरीद कर अपना घर बनाएं। डीलरों को भी नियम अनुसार वैध लाइसेंस लेकर ही कॉलोनियां काटनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी अवैध कॉलोनी में मकान बनाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। असंध पुलिस ने गांव खेड़ी सरफली के बस अड्डे से 500 ग्राम अफीम के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार, अदालत में पेश कर लिया 2 दिन का पुलिस रिमांड। असंध क्षेत्र के गांव खेड़ी सरफली के पास निर्माणाधीन हाईवे के पास से पुलिस ने एक आरोपी को 500 ग्राम अफीम के साथ काबू किया है। आज पुलिस की टीम ने आरोपी को काबू करके कोर्ट में पेश करके 2 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। आज पुलिस जानकारी के अनुसार मंगलवार की रात को असंध थाना की टीम उप निरीक्षक महेंद्र की अध्यक्षता में टीम अपराध रोकथाम हेतु गांव खेड़ी सरफली बस अड्डे पर मौजूद थी। उसी समय टीम को गुप्त सूचना मिली कि अमर सिंह वासी जिला फतेहाबाद अफीम बेचने का काम करता है, जो कि उपरोक्त अफीम बेचने के लिए आया हुआ है। टीम ने निर्माणाधीन हाईवे के पास नाकाबंदी की। इस दौरान नाकाबंदी के दौरान कुछ समय बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति को काबू किया है। आरोपी ने अपना नाम अमर सिंह वासी नहर कॉलोनी रतिया जिला फतेहाबाद बताया है। बुजुर्ग व्यक्ति की तलाशी लेने पर आरोपी से उसके द्वारा पहने हुए मिलिट्री कोट की जेब से एक पोलोथीन में से 500 ग्राम अफीम बरामद की गई। आरोपी के खिलाफ असंध थाने में धारा NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। मामले की जांच ASI संजय कुमार को सौंपी गई। जांच के दौरान पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह पिछले कुछ समय से अफीम बेचने का कार्य करता है और उपरोक्त अफीम को राजस्थान के एक जिले में से एक व्यक्ति से सस्ते दाम पर खरीद कर असंध के एरिया में महंगे दाम पर बेचने के लिए आया था। जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी के खिलाफ पहले भी NDPS एक्ट के तहत एक मामला पंजाब में दर्ज है। इस मामले में आरोपी 5 साल की कैद की सजा काट कर जेल से बाहर आया हुआ है। आरोपी को आज कोर्ट में पेश कर 2 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया गया है। असंध के अलग अलग वार्डों में जाकर स्वच्छता को लेकर नगरपालिका के कर्मचारियों ने किया शहरवासियों को जागरूक। असंध शहर में नगरपालिका सचिव शैलेंद्र शर्मा के आदेश अनुसार स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के तहत आज नगरपालिका के कर्मचारियों ने शहर के अलग अलग वार्डों में जाकर स्वच्छता को लेकर शहरवासियों को जागरूक किया है। उन्होंने कहा है कि शहर के विभिन्न वार्डों में कूड़ा बीनने वालों ने फेरी लगानी शुरू कर दी है। नपा द्वारा शहर में अलग 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 सीन कूड़ा छांटने के बारे में इनको जागरूक किया गया।
उन्होंने कहा है कि कूड़ा बीनने वालों को भी स्वच्छता से जोड़ा जा रहा है। आज अजमेर और जसमेर ने कहा है कि नपद द्वारा कूड़ा बीनने वालों के आईडी कार्ड भी जारी किए जाएंगे ताकि किसी प्रकार की कोई परेशानियों का उन्हें सामना न करना पड़े। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए नगरपालिका का सहयोग करें। असंध की नई अनाज मंडी में नव नियुक्त सचिव कृष्ण धनखड़ ने संभाला पदभार, मंडी एसोसिएशन ने किया स्वागत है। असंध शहर की नई अनाज मंडी में सचिव ओम प्रकाश के तबादले के बाद आज नव नियुक्त सचिव कृष्ण धनखड़ ने पदभार संभाल लिया है। इस दौरान मंडी में पहुंचने पर मंडी एसोसिएशन द्वारा सचिव को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। वहीं आज मंडी एसोसिएशन के प्रधान सतीश बलहारा व सुरजीत राणा ने बताया कि सचिव कृष्ण धनखड़ को मंडी की समस्याओं के बारे में अवगत कराया गया है। आगामी गेहूं के सीजन को देखते हुए एसोसिएशन के सदस्यों ने किसानों की व अपनी परेशानी अधिकारी के सामने रखी, जिन पर विचार विमर्श करने के ऊपर के अधिकारियों को लिखित में देकर कार्रवाई का आश्वासन सचिव ने दिया है। वहीं आज पदभार संभालने के बाद सचिव कृष्ण धनखड़ ने कहा है कि आढ़तियों व किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या मंडी में नहीं आने दी जाएगी। जो समस्या आढ़ती एसोसिएशन ने उनके सामने रखी है उसका जल्द से जल्द निवारण करवाया जाएगा। सचिव ने कहा है कि सरकार के दिशा निर्देश अनुसार कार्य किए जाएंगे। इस अवसर पर सुरेश कंसल, जगदीश गोयल, सुभाष सुरेश गोयल, सुरेश बंसल, अनिल बंसल, राम कुमार राणा, शिल्लू शर्मा सहित अन्य मौजूद रहे। आपको खबरें कैसी लग रही हैं? खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को शेयर करें, साथ ही अपने कमेंट जरूर दें। धन्यवाद।